दो साल से मैं एक वॉकर पेशेंट हूँ। आई एम मीनाक्षी, आई एम 43 ईयर्स इन एज, आई एम फ्रॉम कालका नियर चंडीगढ़। आई एम पेशेंट ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मैंने लास्ट मंथ फ्रूटेरियन ग्रुप को ज्वाइन किया था। जब मैंने ये स्टार्ट किया, उससे पहले मेरी ये कंडीशन थी कि मैं काम तो कर लेती थी, बट किचन का काम अगर हैवी हो जाए तो मुझे आर्म्स में पेन होने लगता था और मैं फटीग हो जाती थी, बैक में भी बहुत हैवीनेस हो जाती थी। अभी मुझे एक महीना हो गया है फ्रूट डाइट पे, तो मुझे कुछ दिन डिटॉक्स सिम्टम्स भी आए। 3-4 दिन मुझे आइस में स्ट्रेन रहा और बॉडी में भी क्रैम्प्स हुए, सिर में थोड़ा दर्द होना और चक्कर जैसा फील होता था। इतना मैं डर रही थी, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे उतने डिटॉक्स सिम्टम्स नहीं आए। और मेंटर्स ने यही सजेस्ट किया था कि मुझे ये एक महीना रेस्ट मोड पे रहना है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है। उसके बावजूद मैंने रेस्ट भी किया, लेकिन साथ साथ घर के काम भी मैं करती रही। मैंने एक दिन भी ऐसा छोड़ा नहीं कि नियरली 20 डेज हो गए थे जब मुझे फीवर भी आया और वायरल हुआ, सोर थ्रोट था उसमें। फीवर मुझे 99 था, लेकिन एक दिन मैंने पूरा दिन रेस्ट किया। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वायरल में मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली और सोर थ्रोट मेरा बहुत जल्दी ठीक हो गया। अदरवाइज सोर थ्रोट 1 से 2 हफ्ते ले लेता था मेरा ठीक होने में, जिसमें म्यूकस भी डिपेंड जाता था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक दिन में ही फीवर और बॉडी एक्स चले गए। बाकी मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं इस एक महीने में, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें हर विंटर्स में प्रोग्रेस कर जाती थी प्रॉब्लम, जिस वजह से मैं आर्म्स की अपवर्ड स्ट्रेचिंग और साइड स्ट्रेचिंग नहीं कर पा रही थी। मैंने एक महीने बाद फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज अब दोबारा शुरू की 2-3 दिन पहले, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उस दिन बहुत मिरेकुलस लगा कि मैं वो एक्सरसाइजेज आज कर पा रही हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू गौरव सर, आयुषी मैम एंड द एंटायर फ्रूटेरियन टीम। वो बहुत बहुत हेल्पफुल हैं, उनकी गाइडेंस के लिए, उनके सपोर्ट के लिए आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच।